नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 21 अगस्त और साथियों इस समय की इस वीडियो के तहत शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं इस समय की महत्वपूर्ण अपडेट। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट, यहाँ शिव निदेशक स्कूली शिक्षा पाली संभाग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र वरिष्ठ अध्यापक और समकक्ष के आगे विभिन्न भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने तो विभाग से स्वीकृति चाहिए। तो कार्मिकों को उनके नाम के परीक्षा में इनका यदि चयन हो जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। तो उनसे संबंधित अपडेट, कार्मिक का नाम, पद, पदस्थापन स्थान और सम्मिलित होने वाली परीक्षा का जो विवरण दिया हुआ है, इस प्रकार से लिस्ट जारी हुई है, देख सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा जिला चित्तौड़गढ़ से संबंधित यह महत्वपूर्ण अपडेट। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला चित्तौड़गढ़ समस्त कार्मिकों के वेतन नियमन बाबत विश्रांत में लेकर के शिक्षकों के स्थायीकरण में कई बार विलंब हो जाता है, जिसके कारण पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को वेतन वितरण अधिकारी द्वारा शिक्षकों के वेतन नियमन नहीं किया जाता है। समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को पालन करेगी। जिन शिक्षकों का 2 वर्ष का परीक्षा कार्य नियमित और संतोषजनक पूर्ण हो गया है तथा जिन शिक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई संचालित नहीं है, उन शिक्षकों के 2 वर्ष की परीक्षा काल की अवधि पूर्ण होने के बाद वेतन नियमन शर्तों के अधीन किया जाए। तो जिला चित्तौड़गढ़ संबंधित अपडेट। और अगली खबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेकावाटी विश्वविद्यालय सीकर राजस्थान से संबंधित आवश्यक सूचना, सभी केंद्र अधीक्षक और परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21 अगस्त को आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। इन परीक्षा के आयोजन की जो नई तिथि है शीघ्र ही घोषित की जाएगी। और इसके बाद में जो अगली अपडेट है, मोहल्ला सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से संबंधित अधिसूचना संख्या 20 में यहाँ पर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय के समस्त परीक्षार्थियों को निर्देश अनुसार सूचित किया जाता है कि 21 अगस्त को आयोजित होने वाली समस्त मुख्य परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। स्थगित परीक्षाओं की नई जो परीक्षा तिथियां हैं वो अलग से घोषित की जाएगी, जिसकी जो सूचना आप विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। और इसके बाद में जो अगली अपडेट है, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के वास्ते जो दस्तावेज सत्यापन है उसके लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने की जो पोर्टल है वो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक खुला रहेगा। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव हैं उन्होंने अपडेट दी है। और जेएन भर्ती 24-20 के नियमों में संशोधन से संबंधित काम प्रक्रियाधीन है और विधि विभाग जल्द समीक्षा कर अनुमोदन करेगा और फिर विभाग सीएमओ भेजा जाएगा और वहां से सीएम साहब अनुमति देंगे, फिर कैबिनेट मंत्रिमंडल में जाएगा, उसके बाद प्रोसेस से विभाग तक पहुंचेगा। तो ये जेएन भर्ती 24 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। और दैनिक नवज्योति की आज की यह महत्वपूर्ण खबर है, शिक्षकों को मिलने लगा वेतन, जारी होने लगे आदेश, प्रदेश के शिक्षकों को अब जाकर वेतन मिलने लगा क्योंकि शिक्षा विभाग के डीओ कार्यालय से अलग अलग आदेश जारी कर दिए गए हैं और जिसका फायदा शिक्षकों को मिलेगा। इससे पहले नियमित के चलते शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा था। इस मुद्दे को दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था और नियमितकरण के अभाव में 12,000 शिक्षकों को नहीं मिल रहा था नियमित श्रृंखला का वेतन। इसके बाद विभाग ने कदम उठाए और नियमितकरण की कवायद भी शुरू की। इसके तहत स्थायीकरण होने पर भी वेतन नियमितकरण करने के संबंध में डीओ एलिमेंट्री चित्तौड़गढ़ ने आदेश जारी कर दिए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगली जो अपडेट है, समय पर हो रही अधिकारियों की पदोन्नति, शिक्षकों को 4-4 साल करना पड़ रहा है, इंचार्ज अफसरों के लिए ओके, शिक्षकों के इससे आया बस इंतजार, वरिष्ठ शिक्षकों की डीपीसी 4 साल से अटकी, व्याख्याता भी वाइस प्राचार्य बनने के इंतजार में और 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षक पदोन्नति की कतार में, कई बार मांग उठा चुके हैं शिक्षक संगठन पर विभाग इनको टालता रहा है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा विभाग यानी शिक्षा विभाग एक बार फिर चर्चा में, इस बार मामला शिक्षक पदोन्नति से जुड़ा हुआ है और सरकार आती गई लेकिन अभी तक इंतजार पूरा नहीं हुआ। और हाल ही में हुई 57 अफसरों की डीपीसी, गदिनों शिक्षा सत्र 24-25 के रिक्त पदों पर शिव निदेशक के 57 अधिकारी को यहाँ पर पदोन्नति की गई और 19,000 थर्ड ग्रेड जो शिक्षक हैं वो भी सेतु इंतजार कर रहे हैं। 2 साल से जो है प्राचार्य की डीपीसी भी अटकी हुई है। और दैनिक नवज्योति, आवासन मंडल में भर्ती का खेल, कभी फेल कभी पास, 3 बार रिजल्ट जारी कर आज से होगी दस्तावेजों की जांच, राजस्थान आवासन मंडल में करीब 3 साल बाद हुई भर्ती प्रक्रिया में समय समय पर विरोध के बाद भी मंडल प्रशासन भर्ती प्रक्रिया की जांच के
पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगा हुआ और मंडल ने सितंबर 23 में आयोजित भर्ती परीक्षा का अब तक 3 बार रिजल्ट जारी कर चुका है। आप देख सकते हैं 258 पदों पर होनी है भर्ती। अगली खबर है, आप देख सकते हैं इससे संबंधित। तो साथियों ये थी इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।